चैनल एडवेंचर डायरी में। तो गाइज आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई ब्लॉग में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं मुरादनगर में स्थित छोटा हरिद्वार, और अभी हम आ चुके हैं राजनगर एक्सटेंशन सिटी फोर्स्ट में। यहाँ से हमें मिलेगा ऑटो, ऑटो से हम यहाँ से जाएंगे। तो जो भी होगा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। और सबसे अच्छी चीज के हमारे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है और हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं छोटा हरिद्वार। यहाँ से हम लाल बत्ती जाएंगे और वहाँ से हम ऑटो फिर चेंज करेंगे। तो गाइस एक चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गया, ऑटो वाला जो ड्राइवर है वो इस वक्त ड्रिंक कर रखा है और देखो कैसे टेढ़ी चला रहा है। आप देख सकते हो कैसे चला रहा है गाड़ी, देख सकते हो। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। तो मेरे साथ है हिमांशु और है रोहित। तो गाइस आज हम तीनों साथ में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है और उसकी ड्राइविंग देखो पहले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं छोटा हरिद्वार। आप देख सकते हो हमारे ठीक पीछे है छोटा हरिद्वार, और अभी इस वक्त छोटा हरिद्वार में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको अभी वहाँ आगे जाके दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल बनेगा। छोटा हरिद्वार, और ये रहा मेरे साथ रोहित और ये रहा हिमांशु। और आप देख सकते हो पहले से पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, पहले वहाँ तक पानी था, बल्कि ये यहाँ पे सीढ़ी हुआ करती है जो पानी अब यहाँ तक आ चुका है। आप देख सकते हो वैसे पानी वहाँ तक रहता है जहाँ ये अंकल नहा रहे हैं, जहाँ तक ये है वहाँ तक पानी रहता है, लेकिन वहाँ तक पानी ना होके अब ये पानी यहाँ तक आ चुका है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है चेतावनी, पानी की गहराई 12 से 12 फुट से अधिक है। तो देख सकते हो यहाँ पे नहाना काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि जैसे कि थोड़ा अपने जहाँ पानी आ रहा है वहीं पर ले लेना स्नान करें और उसके बाद नहाएं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि गहरा पानी में ना जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग डूब चुके हैं। और मतलब सही है, यहाँ पे पब्लिक का क्राउड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक का क्राउड आप देख सकते हो, काफी ज्यादा क्राउड है। एक दूसरे को पकड़ लो, एक दूसरे को पकड़ लो।
हेलो गाइस, तो फाइनली हमने छोटा हरिद्वार में स्नान कर लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। तो होप आपको ये छोटा हरिद्वार का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ इस टाइप का था छोटा हरिद्वार। देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे प्रतिदिन लोग नहाने के लिए आते हैं और पानी की गहराई 12 फुट है। अभी इस पानी का बहाव कुछ ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ तक आ चुका है। तो अब हम निकलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे। हम कम से कम 3 घंटे से यहाँ पे नहा रहे हैं, तो रेगुलर ब्लॉग तो नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने आपको कट कट कर दिखाया। तो अब चलते हैं अपने घर, और कुछ इसी टाइप का है। और सावन के बाद से यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। जिसको स्नान करना है, कुछ भी पूजा पाठ जो भी है, आ सकता है, कर सकता है, और भीड़ भी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आ जाओ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.